हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई टॉपिक के साथ मैं आफरीन खान। आज मैं इस पौधे के बारे में बताऊंगी फ्रेंड। इसका नाम है इंग्लिश आईवी। इंग्लिश आईवी की ये एक वैरायटी है फ्रेंड, जिसके पत्ते ऐसे मोटे मोटे से होते हैं और ऐसे छोटे छोटे भी होते हैं। इसकी और एक वैरायटी होती है फ्रेंड, जिसके पत्ते एकदम से बड़े बड़े ही होते हैं, यानी कि इतने बड़े से या फिर इससे भी थोड़े बड़े और थोड़े पतले पतले होते हैं। तो इसकी वैरायटी एकदम मोटे मोटे पत्तों वाली है। जब हमारे पास ये पौधा नहीं होता है और हम इन्हें लाते हैं तो हमें लगता है इसका बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, इस पौधे की भी कोई ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है ये, और मैंने इसकी प्रोपोगेशन के ऊपर वीडियो डाला है। तो इसमें मैंने, अब देख सकते हैं, मैंने ये इसका जो मदर प्लांट है मैंने इस पॉट में इसे लगाया है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें फूल भी आ रहे हैं फ्रेंड। फर्स्ट टाइम मेरा पहला पौधा है ये, इससे ही मैंने प्रोपोगेट जो किया है प्लांट, मैं आपको भी वो भी दिखाऊंगी। बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है ये भी इंग्लिश आईवी का, और बहुत आसानी से चल जाता है। सिर्फ इसके पानी का ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड, हमें इसे बहुत कम पानी देना है। जब भी आप इसे पानी देते हैं तो ऊपर की मिट्टी को चेक करके दे, जब 1-1.5 इंच मिट्टी सूखी हुई रहती है तभी दे। आप जब भी इसकी मिट्टी बनाते हैं तो एकदम से वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। जब मैंने इस पौधे को लगाया था फ्रेंड, तब मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी 40% मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% बालू, और थोड़ी सी फंगीसाइड पाउडर मिला लिया था। इसमें मैंने कोकोपीट नहीं डाला था क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए। कि और जब आप मिट्टी बनाते हैं फ्रेंड, तो पॉट को इस तरीके से रेडी करें कि आप पानी ऊपर से डालते हैं तो एकदम से नीचे की ओर से इसके ड्रेनेज होल से इसकी पानी निकल जाए, जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहता है। अगर इसमें पानी रुकेगा तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ख़राब हो जाएगा इसकी वजह से। तो इसमें एकदम से पानी चेक करके देना है। जब आप, अगर आप देखते हैं कि ऊपर की ओर से मिट्टी 1-1.5 इंच तो सूखी हुई है, अब नीचे आप नहीं देखते हैं तो आप ऐसे ही पानी डालते रहेंगे तो ये पौधा फिर भी ख़राब हो सकता है। तो आप अगर इसमें अंडर वाटरिंग करते हैं तो भी ये पौधा ख़राब नहीं होता है, लेकिन आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो ख़राब होगा। इसका प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा आसान है फ्रेंड, कि आप इसके मदर प्लांट को लेने के बाद उसमें से जो बेल निकलता है फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि बेल है, तो बेल को मैंने क्या किया था, इस पॉट में रखा था और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी। मिट्टी डालने के बाद यहाँ से इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो समझ ले ये इसका मदर प्लांट है। आप इस तरीके से बेल को लेते हैं, लेने के बाद इसके जो पत्ते के पीछे जो एरिया रहता है फ्रेंड, ये इसका नोड एरिया होता है जहाँ से इसके रूट बाहर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश आईवी में ऐसा होता है, जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं, जैसे कि बेल वाले प्लांट, टर्टल वाइन होता है, टैंगल हार्ट, वैंड्रिंग का मनी प्लांट, सब बेल वाले प्लांट जो भी होते हैं उनके पत्ते के नीचे से ही रूट निकलता है, यहाँ पे उसका नोड एरिया होता है। तो हमें इस तरीके से इनको रखना होता है फ्रेंड। रखने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर से यहाँ पे मिट्टी डाल देना है। सिर्फ इतना ही करना है, इसको रख के सिर्फ उसके ऊपर से, बेल के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देना है, और ऐसी जगह में रखना है फ्रेंड जहाँ पे ये हिले ना, वैसे का वैसे ही रहे। कोई साइड में कोई जगह आप सेलेक्ट कर ले और वहाँ पे ऐसा रखे, हिलने ना दे इनको। और इसमें पानी डालेंगे तो इसमें भी नई ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो बेल होता है फ्रेंड, इससे, इस तरीके से कटिंग लगाने से हमारा एक फ़ायदा होता है कि कटिंग ना सड़ेगा, ना ही गलेगा और ना ही सूखेगा। तो इससे क्या होता है कि जो ये बेल होती है, बेल का जो खाना पानी जो भी इसको मिलता है, इसके पॉट से मिलता है, जिसके कारण ये बेल अलग तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी और मिट्टी में जो नमी मिलती है पानी की, यानी कि मॉइस्चर मिलता है, उससे क्या होता है, पत्तों के नीचे से नई रूट स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हमारा नया पौधा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जब पौधा यहाँ से ग्रो हो जाता है फ्रेंड, तो हमें ये वाला ब्रांच जो होता है इसे कट कर देना है। तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा था, मुझे इसमें नहीं ग्रो करना है ये, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए एक अलग जगह चाहिए जहाँ पे हम इसे, इस कटिंग को यहाँ से हिलने नहीं देना है हमें फ्रेंड, जब तक उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो जाती है। जब ग्रोथ आ जाती है इसमें से, इसमें यहाँ से आपको लगने लगेगा कि यहाँ नई ग्रोथ हो रही है, तो आप क्या करें, यहाँ से कट कर दें, जैसे कि मैं अभी कट करने वाली हूँ। अब मैं इसे यहाँ से कट कर दूँगी। मैंने इसे कट कर दिया फ्रेंड, यहाँ से अलग कर दिया है, सिर्फ यहाँ से कट करना पड़ा है फ्रेंड। तो ये अलग हो गया, और यानी कि ये वाला ब्रांच, और मैं यहाँ से भी कट कर दूँगी फ्रेंड। कट करने से ये भी यहाँ से अलग हो गया है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ढेरों पौधे बना सकते हैं, और इसका रूट मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। अभी मगरिब का वक्त है फ्रेंड, शाम होने वाली है, और यहाँ पे फूलों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है छत पे,
शाम के टाइम पे मुझे पौधों के बीच में आना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रूट आ गया फ्रेंड। तो बहुत ही आसान है इस तरीके से कटिंग को लगाना, आप भी ज़रूर लगाएं और आसानी से ढेरों पौधे बनाएं। मैंने सारी मिट्टी इसमें से निकाल दी है फ्रेंड, और आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा रूट आया है। और इसमें भी दो पौधे बन गए फ्रेंड, ये एक रूट आया हुआ है ये ब्रांच में और यहाँ पे भी आया हुआ अलग से, तो इसमें भी दो पौधे हो गए। और दोनों कटिंग को मैंने इसमें लगा दिया फ्रेंड, इसमें एक में लगाया है और यहाँ पर एक में लगाया है, तो इस तरीके से मेरे चार पौधे बन गए फ्रेंड। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।